बारां जिले में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए चिकित्सा विभाग खास अलर्ट है। शहर सहित जिले भर में चिकित्सा विभाग द्वारा भीड़ वाले स्थानों पर रैंडम सैंपलिंग कर कोरोना जांच के लिए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। संभावित संक्रमित तो लोगों के घरों पर जाकर भी सैंपल दिए जा रहे हैं। देखिए हमारी पूरी खबर। बता दें कि 12 केस एक्टिव है। ऐसे में चिकित्सा विभाग बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए जिले भर में रैंडम सैंपलिंग कर रहा है। जिले के छिपाड़ डोद तहसील मुख्यालय पर चिकित्सा टीम द्वारा कस्बे की सब्जी मंडी सहित भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों के सैंपल लिए गए। शाहबाद किशनगंज मांगरोल अंता अटरू छबड़ा में भी सैंपलिंग की जा रही है। CMHO डॉक्टर संपत राजनगर ने बताया कि कोरोना से संघर्ष लंबे समय तक चलना है। जिले में संक्रमण हावी न हो इसके लिए रैंडम सैंपलिंग जारी है। फल सब्जी दूध विक्रेता पेट्रोल पंप कर्मी आदि फास्ट सेवा देने वाले लोगों के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर PHC स्तर पर क्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में सैंपलिंग का कार्य जोरों पर है। जहां कहीं संक्रमित आ रहे हैं वहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ रैंडम सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है। वहीं उन्होंने जिलेवासियों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने व बार बार हाथ सैनिटाइज करने की अपील की है, ताकि लोग कोरोना संक्रमण से स्वयं बचें और अपने साथ साथ परिवार को भी संक्रमण से बचा सकें। जो आपने आज ये सैंपल लिए, ये किस कारण से लिए? क्या सैंपलिंग लेने का सबसे मेन रीज़न यह है कि यहाँ पर क्या कंटामिनेट जोन मान के चलते हैं अपन, क्योंकि भीड़ बहुत सारी इकट्ठी होती है सब्जी मंडी में, तो सभी तरह के पता नहीं कौन सा पेशेंट पॉजिटिव निकल जाए, कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए यहाँ रेंडम सैंपलिंग ली गई है और लगभग 56 सैंपल लिए हैं यहाँ।